गोपाला जी को नमन। देखिए, किसी के घर में, दुकान में, भवन में, कहीं भी कुछ भी अनयूजुअल चीज़ें होती हैं ना, तो सबसे पहले एक मानसिकता कि किसी ने कुछ कर दिया। अब ये आदमी का वहम है या वास्तव में होता है, अपनी अलग अलग मान्यताएँ, अलग अलग विचार आदमियों के, बट आई बिलीव दैट दिस इज नथिंग बट यू नो इट्स ए पैनिक एंड द एटीट्यूड विच वन डेवलप्स, और फिर अकॉर्डिंगली वो फिर उसके बाद में पैनिक में चला जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता, बट देयर आर चांसेस ओनली 20-30%, नॉट मोर देन दैट। 70% मानसिकता है कि किसी ने कुछ कर दिया। इसके निदान भी हैं, इसके उपाय भी हैं। मान लीजिए अगर है, लगता है कुछ वास्तव में है, तो फिर उसके निदान है, वो निदान तलाशता है आदमी। मगर इस वीडियो में उत्तम नारायण पांडे जी एक शाबर मंत्र बता रहे हैं इस टाइप की चीज़ों से निजात पाने के लिए। अब लोगों के दिमाग में आता है कि ये कैसे पता चले, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ हुआ, यानी कि छींक भी आ गई, तो ये लगा कि किसी ने कुछ कर दिया। जादू है, टोना है, टोटका है, विचक्राफ्ट है। देखिए, बहुत सामान्य से सिम्टम्स हैं इसके, बहुत सामान्य से सिम्टम्स, मगर ये सिम्टम्स ज़रूरी नहीं कि कुछ करे धरे को लेके ही हों। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। मेनली सबसे पहली चीज़ रेस्टलेसनेस, बेचैनी, एंग्जाइटी, अनयूजुअल ड्रीम्स, बेचैनी, सपने नहीं आएंगे, और फिर सारा दिन बड़ा लेथर्जी में बीतता है, बड़ा आलस में बीतता है। मुंह का स्वाद बिगड़ा रहता है, आदमी थू थू करता रहता है। अगर आदमी कर रहा है ना थू, तो समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एक बहुत बड़ी पहचान, ये जो आईलिड्स हैं इसके ऊपर के जो पोर्शन है ना, ये बड़ा भारी भारी सा लगेगा आपको। हर वक्त लगेगा कि भार है, भार है। और फिर अगर मान लीजिए आप दोनों हाथों से ऐसे अगर प्रेस करते हैं, बड़ा रिलैक्स फील करेंगे आप, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं है। ये सिम्टम्स। उसके अलावा फिर वो तो बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं कि सब कुछ चल रहा है और चल रहा है, ऑल ऑफ ए सडन ब्रेक लग गया, ऑल ऑफ ए सडन लॉसेस होने लगे, बीमार हो गया, बहुत सारी बीमारी हो गई, तो उसका रोग का निदान नहीं मिल पा रहा, निदान मिल गया, मिल पा रहा है, तो जो मेडिसिन है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, सालों साल आदमी मेडिसिन खाया जा रहा है, फिर आदमी का एक ही बात आती है, किसी ने कुछ कर दिया, दवा नहीं लग रही, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अननेसेसरी डिले हो रहे हैं, काम कहीं बन रहा है, बनते बनते बिगड़ गया। और ये अगर मान लीजिए स्पॉन्टेनियसली ये बातें हो रही हैं, तब तो फिर और भी वहम पक्का होता चला जाता है कि निश्चित रूप से किसी ने कुछ किया है। देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कम्बिनेशंस होते हैं इस टाइप के, कि हिंड्रेंसेस क्यों हो रही हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, अननेसेसरली क्यों लिंगर ऑन हो रही हैं चीज़ें, वो फिर बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का विषय हो जाएगा। तो ये मोटे मोटे सिम्टम्स बताए मैंने। अब देखिए, इसको हमारे समस्या को दूर करने के लिए उत्तम नारायण पांडे जी शाबर मंत्रों की पूरी श्रृंखला बनाई है हमने। अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे शाबर मंत्र आपको मिलते चले जाएंगे। यहाँ पे जो शाबर मंत्र दे रहे हैं, ये विशेष रूप से इसीलिए है कि अगर कहीं भी पैनिक है, कहीं भी डाउट है, तो इसको करा जा सकता है, इससे निजात मिल सकती है। और ये भी बता दूँ, जो करते हैं, देखिए करने वाला मुझे तो कोई मिला नहीं आज तक, कौन है करने वाला, वहम ज़्यादा है। अगर फिर भी मान लीजिए कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है और किसी के अनहित की भावना से करता है, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस का कोई भी प्रयोग कभी किसी के अनहित की भावना से नहीं होता, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मगर कोई करता है और इस शाबन मंत्र को रिपीटेडली वो करता रहता है बार बार, तो वो जो असर करना चाह रहा है दूसरे के ऊपर, पता चला उसके ऊपर लग गया, उसी को चिपट गया। तो इसलिए भैया, करने वाले भी सावधान रहो, अच्छा करो, ना अच्छा कर पा रहे हो तो शांत बैठो, मत करो कुछ। और एक चीज़ और बता दूँ, पीछे हमारे वीडियोस चलते रहते हैं, लोग बाग पूछते हैं कि उत्तम नारायण पांडे जी फेस कैम नहीं करते हैं, तो हम जो पीछे वीडियो देते हैं, ये हमारे मोस्टली अपने शूट करे हुए, ये हमारे टेंपल्स के, मंदिरों के, प्लेसेस के हम देते रहते हैं, ताकि आदमी को निरस्ता ना आए। और अगर मान लीजिए इनकी डिटेल्स में जाना चाहते हैं, तो टेंपल्स की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, देखिए कोई चीज़ करें तो अपने बुद्धि और अपने विवेक से, हालांकि हम कोई भी चीज़ अनहित की भावना से नहीं करते, फिर भी बहुत सारे शक्की मिजाज के लोग होते हैं, अगर कुछ होता है तो फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और कोई योग्य किसी मर्मज्ञ से सलाह के बिना ना आगे बढ़ें। मगर ये फिर मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा कोई भी प्रयोग अनहित की भावना से नहीं है, इसलिए कहीं भी संभावना नहीं है कि इसमें किसी का अनहित हो, भला हो ना हो, मगर अनहित नहीं होगा। मगर फिर भी अलार्म करता हूँ मैं, डिस्क्लेमर भी देख लिया करें, इसलिए मैं कहता हूँ। और बस एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड,
एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन जरूर दबा दिया करें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए, समय में वेस्ट नहीं करता, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं इस बड़े अनोखे विचित्र शबर मंत्र को लेके, जो आपका पैनिक को दूर कर देगा और अगर मान लीजिए कुछ है वास्तव में वो भी ख़त्म हो जाएगा। सीताराम, श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। अगर आपको ऐसी आशंका है कि आपके किसी शत्रु ने, आपके किसी प्रतिद्वंद्वी ने आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र कर रखा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए अमृत सिद्ध होगा। बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे कोई प्रतिद्वंद्वी, हमसे कोई ईर्ष्या रखने वाले, जब हमारा सामने से नुकसान नहीं कर पाते हैं तो तंत्र मंत्र जादू टोने जैसी चीज़ों का सहारा लेते हैं, और इससे नुकसान तो होता ही है क्योंकि सारी बातें सत्य हैं और अपने आदरणीय गोपाल राजू जी की भाषा में कहें तो पुनः पुनः सत्य हैं। तो अगर ऐसे आपको कुछ लक्षण दिख रहे हैं, आपको परेशानियां अपने जीवन में आती प्रतीत हो रही हैं कि अच्छा खासा दाम्पत्य चल रहा, कलह शुरू हो गया, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, अचानक से नौकरी चली गई, घर में घुसते ही एक अजीब सी मनहूसियत है, बहुत सारे इसके लक्षण हैं, पूर्व में इसकी बहुत बारी चर्चा भी हुई है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है और आप एक बहुत सरल से तरीके से इससे सुरक्षा पाना चाहते हैं, तो आज जो मैं उपाय बताऊं उसको करिए। लाल गुंजा की माला ले लीजिए, बहुत आसानी से पूजा पाठ की दुकानों पे बहुत सस्ते में मिल जाती है। ये गुंजा दो प्रकार की होती है, लेकिन आपको जो लाल गुंजा है उसकी माला ले लेनी है और इसको गंगा जल या पवित्र जल से साफ कर लेना है। इसको आप प्रतिदिन जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं अपने घर में या किसी मंदिर में, इसको दाहिने हाथ में ले लें और जो मंत्र मैं बताऊं इसको 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इसमें कोई संख्या की बाध्यता नहीं है, प्रतिदिन इसको जपिए, इस गुंजा की माला को हाथ में लेकर के। और जब आपका ये जप पूरा हो जाए तो इस गुंजा की माला को, अगर आपको लगता है कि आप पीड़ित हैं तो आप स्वयं पहन लें, या अगर किसी के लिए आप कर रहे हैं तो उसको दे दें। अब यहाँ एक बात और हो सकती है, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं और वो प्रतिदिन आपके सामने नहीं आ सकता, तो 9 दिन तक आप इसको प्रतिदिन हाथ में लें, जप करें, और फिर जब 9वां दिन पूरा हो जाए तो कन्या पूजन करके उस व्यक्ति के लिए दे दें। और अपने लिए कर रहे हैं तो प्रतिदिन पहने और निकाल करके दाहिने हाथ में लें, जप करें, फिर पहन लें। ऐसा करते हैं तो किसी भी प्रकार का जो अभिचार आप पर किया जा रहा है या आपके परिवार के सदस्यों पर किया जा रहा है वो त्वरित रूप से नष्ट हो जाएगा, और अगर बार बार प्रयास किए जाएंगे तो फिर वो अभिचार विपरीत उन्हीं पे चला जाएगा। तो बहुत सरल सा उपाय है, बस डरना नहीं है, इसको करना है। मंत्र मैं बता देता हूँ, मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का, अपर कोश बिगड़ कोश, प्रहलाद राख पाताल राख, पामदे बीज जंघा देवे कालिका, मस्तक राखे महादेव, जो कोई इस पिंड प्राण को छेदे छेदे, देवी देवता, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, कंठमाला तिजारी, एक पहर, दो पहर, सांझ सवेरे को किए कराए को स्वाहा पड़े, इसकी रक्षा नरसिंह जी करें। तो इस तरीके से करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि घर के कई सदस्यों पर यह हो रहा है तो दो माला फिर गुंजा के लिए, एक अपने लिए और एक सामूहिक सुरक्षा के लिए घर के लिए, और दोनों मालाएं एक साथ करें और जो घर वाली माला है उसको घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। आप देखेंगे लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। सीताराम।